नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आज शुक्रवार का दिन है, कारोबारी सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन है कमोडिटी बाजार का। जानेंगे कि कमोडिटी बाजार आज सुबह में कैसा खुलता नजर आ रहा है आखिरी हफ्ते के कमोडिटी बाजार के आखिरी कारोबारी दिन के दौरान, और आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसा रह सकता है कमोडिटी बाजार के लिए, ये सब जानेंगे। और रूपा मेहता की उस पर क्या राय रहेगी ये सब भी जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले MCX कॉटन से। रूपा जी, देख रहे हैं MCX कॉटन एक के बाद एक लगातार तेजी दिखलाती जा रही है अब ऊपरी स्तरों पर भी। जहां पर पहले अनुमान जताया जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि ऊपरी स्तरों से जो बाजार है वो लुढ़क सकता है और काफी निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं, अब देख रहे हैं कि उसके बजाय उसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। 45,000 के बाद अब कॉटन यहाँ से 46,000 का आंकड़ा दिखा चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या अब धीरे धीरे करके कॉटन 50,000 या उसके ऊपर का भी लेवल दिखा पाएगी? देखिए, अभी के लिए अगर देखा जाए तो प्राइसेस के अंदर तेजी बनी हुई है और अभी जो नई जब तक अराइवल नहीं आती तब तक मार्केट जो है सस्टेन कर रहा है ऊपरी स्तरों पर, और अभी तेजी जो है वो लगातार बनी रह सकती है क्योंकि अभी डिमांड फैक्टर जो है वो भी अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है। और इसी के साथ में हम अगर देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो भी पिकअप होते नजर आए हैं, जिसकी वजह से कीमतों को डबल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया और ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है। प्रोडक्शन वैसे ही इस साल कम रहा है लेकिन काफी वॉलिटैलिटी वाला रहेगा मार्केट, तो अभी छुटमुट तेजी की तरफ मार्केट बना रह सकता है लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल अभी यहाँ पर रिस्की हो सकती है तेजी। तो मेरे हिसाब से अभी 46,000-46,200 तक मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी अगर आती है तब आपको 48 से 50 का टारगेट हो सकता है देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए 46,000-46,200 तक ही सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि अब 2700 तक कारोबार करता नजर आ रहा है। लेकिन रूपा जी, देखने वाली बात यह है कि जहां पे मई वायदा 2700 की रेंज में है, वहीं जून वायदा 2800 के ऊपर है और जुलाई वायदा 2900 के ऊपर, तो आपको क्या लगता है, क्या ये यही दर्शाता है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ समय के लिए बिनौला खल में मंदी है और उसके बाद फिर से तेजी बनेगी? देखिए, आगे चलकर हो सकता है कि प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए लेकिन फिलहाल के लिए तो डिमांड जो है वो नहीं निकल रही है इसकी, और अभी प्राइसेस जो है वो नीचे देखने को मिल रहे हैं और 2800-2900 का भी लेवल कोई बहुत ज्यादा लेवल नहीं है। बदले में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखने को मिल रहा है लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। हमने पहले भी बताया था कि 2800-2700 तक नीचे लुढ़क सकता है और मई वायदा के बाद अब जून वायदा भी अप्रोक्सीमेटली 2800 के नीचे जाने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है कि यही रेंज जो है बनी रह सकती है 2700 से लेकर 3000 के बीच में फिलहाल बिनौला खल में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। जी, ये सिर्फ जी मसालों में क्या लगता है आपको, देख रहे हैं मसालों में फिर से करेक्शन आई है जहाँ पे मसाले अब धनिया की बात करें तो 12,600 के ऊपर था कल तक, अब 12,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जीरा भी कुछ टूटा है, 22,000 के लेवल पर है और हल्दी भी 8,500 पर आई है। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में यहाँ से आज इंट्राडे में थोड़ी और करेक्शन आ सकती है? देखिए, बिल्कुल मसालों में करेक्शन एक बार बन सकती है लेकिन शॉर्ट टर्म करेक्शन रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर बनती ही दिखाई दे सकती है। जो धनिया है वो नीचे में 11,800 के आसपास सपोर्ट ले सकता है तो वहां तक एक बार लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। वही अगर जीरे की बात करें तो जीरा भी 21,800 से 21,500 तक की गिरावट दिखा सकता है और हल्दी 8,400 तक नीचे लुढ़कते हुए नजर आ जी। इसी के अंदर रूपा जी, ग्वान कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है आपको, देख रहे हैं कि ग्वान कॉम्प्लेक्स अभी भी ऊपरी स्तर पर में सस्टेन है, ठीक ठाक तेजी अभी भी कायम है? देखिए, ग्वार में तेजी की तरफ अभी ट्रेंड बना हुआ है और जिसके चलते हम लगातार देख रहे हैं कि मार्केट सस्टेन है और ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है। अभी आज भी आप देखिए 12,700 पर है, मैंने पहले भी बताया कि 13,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको और आगे लंबी तेजी की तरफ ले जाएगी। फिलहाल के लिए 13,000 के टारगेट जब तक अचीव नहीं होते तब तक मार्केट जो है इसी तरह से सीमित दायरे में घूमता दिखाई दे सकता है। नीचे में 10,000 का सपोर्ट है, यहाँ से काफी नीचे है 2,000 पॉइंट, तो वहीं तेजी की बात करें तो 13,000 के ऊपर की अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 15,000 तक ग्वार जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये रूपा जी, कैसे सीड में क्या लगता है आपको, देख रहे हैं कैसे सीड 7100 के बाद अब एकदम से 7300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह में कैसे सीड फिर से ऊपरी स्तर पर सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, अभी सभी एडिबल ऑयल बैंक में थोड़ा सा तेजी का रुझान बन रहा है जिसका फायदा कैस्टर को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और कैस्टर की कीमतें वापस से सपोर्ट लेती हुई ऊपरी स्तरों पर नजर आ रही है, तो यहाँ पर 7500 तक का लेवल जो है वो आगे देखने को मिलता है। जी,
ये सर जी, खाद्य तेलों का बाजार कैसे देखने को मिल सकता है? अब इंडोनेशिया ने पाम तेल का जो बैन है पूर्ण रूप से तो नहीं किया है, केवल पैकेज्ड और थोक में जो पामोलिन आता है वहां से इंडोनेशिया से जो एक्सपोर्ट किया जाता है सिर्फ उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, बाकी सीपीओ पर बैन नहीं लगाया है। लेकिन इसकी वजह से भारत का लगभग 2,90,000 टन का जो खाद्य तेल था वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है, तो ऐसे में भारत अब कहां से अपनी आपूर्ति कर पाएगा और अगर सप्लाई टाइट होती है तो कीमतें क्या होंगी? देखिए, अभी जो ये प्रेडिक्शन है कि अब इंडोनेशिया ने जो बैन किया है और जो सप्लाई बाधित हुई है, देखिए मलेशिया से भी इंपोर्ट करता है भारत और इंडोनेशिया से भी करता है, नो डाउट इंडोनेशिया से ज्यादा करता है, लेकिन मलेशिया से भी 20% के आसपास का इंपोर्ट जो है वो किया जाता है। मलेशिया की तरफ डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है और जहां तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस का जो है वो मैटर नहीं आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्शन अच्छा खासा है और उसके पास वेयर हाउसिंग की भी प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक इस सिचुएशन में मतलब इस बैन को नहीं रखेंगे। एक्सपेक्टेड है कि 8 से 10 दिन के बाद वापस से जो है मार्केट खुल जाएंगे और फिर प्राइसेस जो है एक बार फिर से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट है लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी इसके वजह से नहीं बनेगी। ऑलरेडी जो प्रोडक्शन का डाटा है उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट सपोर्टिव है और इसके चलते हल्की फुल्की तेजी में मार्केट बना रह सकता है, लेकिन आगे 10-15 दिनों तक ये तेजी अभी फिलहाल कायम रह सकती है। उसके बाद तो अगर वहां से कुछ अपडेट आता है तो फिर बाजारों में एकदम से करेक्शन बनती हुई नजर आ सकती है। जी से रूपा जी, आपको क्या लगता है गेहूं का बाजार अब ये जो तेजी की ओर जा रहा है, क्या आने वाले समय में भी ऐसी तेजी बरकरार रहेगी या फिर जहां पे एक बार विदेशों में जो सप्लाई है वो पूर्ण रूप से हो जाती है तो उसके बाद जो स्थिर भी हो जाएगा बाजार? देखिए, ये जो तेजी है ये एक आप मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म तेजी है जो वीट के अंदर देखने को मिल रही है। अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं होता तो इतनी तेजी वीट में नहीं आनी थी, और अभी ये एक्सपोर्ट डिमांड इतना पिकअप हुए हैं, एक्सपोर्ट बूम पर चल रहा है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वीट जो है वो तेजी की तरफ कारोबार करता दिखाई दे रहा है। और ये अभी शॉर्ट टर्म रैली है और इसकी वजह से अभी करंट लेवल पे भी आप मान के चलिए 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आगे और बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई दे सकती है। तो ये साल गेहूं किसानों के लिए अच्छा हो सकता है और यहाँ पर निर्यात मांग बढ़ने के चलते कीमतें बनी रह सकती हैं तेजी की तरफ, और 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल का तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट लेवल से आ सकती है। जी रूपा जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, आज के लिए आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी? देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज बहुत सारी ऐसी कॉमोडिटीज हैं जो एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। एज यूजुअल मुझे लगता है कि आगे चलकर मसाले और ग्वार और इनमें तेजी बनी रह सकती है। ये वाले कारोबारी सप्ताह हो सकता है करेक्शन वाला देखने को मिले, और जो लेवल्स हमने अभी डिस्कस किए वो लेवल्स हो सकता है कि देखते हुए नजर आए। धनिया के अंदर 11,600-11,700 तक का लेवल नीचे में एक्सपेक्टेड है, वहां से एक बार फिर से बाउंस आता नजर आ सकता है, और ग्वार का मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में हो सकता है कि 13,000 का स्तर छुटी हुई नजर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार के हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कमोडिटी बाजार के लिए कैसा साबित हो सकता है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर का दौर लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।